अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या चल है? कैसे आपकी तबीयत? से यार मैंने ना कल जाना था जहानिया, बट जा नहीं पाया। तो आज भाई मेरा मूड बन गया, तो भाई आज चलते हैं जहानिया। सीन ये है कि यार मुझे ना मोबाइल चाहिए कोई अच्छा सा, तो मैं वो देखने जा रहा हूँ। पहले पसंद कर लूँ, उसके बाद डन कर लूंगा। तो अभी हम मोबाइल देखने चलते हैं। तो आपने भी मुझे यार कमेंट में बोल रहा था कि यार कोई मोबाइल का नहीं बताओ, आपने तो कोई बताया नहीं है। तो आज मैं जहानिया इसी वजह से जा रहा हूँ। तो चलते हैं भाई वहाँ, मैं बाकी फ्रेश हो लूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो क्या हाल चाल है, कैसे हो भाई? तैयार श्यार हो गया हूँ, तो अब मैंने निकलना जहानिया। तो भाई बोल रहे हैं रुक जा, मैं ना तुझे कुछ सामान बताता हूँ, तो वो भी ले आई साथ साथ। तो भाई का कुछ सामान लेके आना, भाई गया हुआ है मार्केट में, तो वो फिर आके मुझे बताता है कि ये चीजें ले आ। उसके बाद फिर भाई हम जाएंगे सीधा जहानिया और वहां पे देखेंगे मोबाइल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने फ्यूल वगैरह डलवा लिया पब्लिक यहाँ से, ये मेरे घर के पास। हम पहुंच गए हैं मोबाइलों की मार्केट में। ये मोबाइलों की भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। मैंने यहाँ दुकान से भी सामान लेना है, पहले मैं मोबाइल देख लूँ कोई जो मुझे प्यारा लग रहा हो। तो देखो भाई, मैंने ना सबसे प्यारा मोबाइल लेना जो कि मतलब गेमिंग वगैरह में ना और दूसरे कामों में अच्छा हो। मैं फिलहाल यही ढूंढ रहा हूँ मोबाइल जो मतलब मुझे अच्छा मिल जाए। ये देखो माशाल्लाह कितने मोबाइल पड़े हुए हैं। मार्केट आना है ना तो जान लेके आना भाई अपने अंदर। ओहो हो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? देखो यार मुझे यहीं पे राहत ही हो रही है किस्म की। यार मेरा जो मेन मकसद है ना वो है टेक्नो पोवा टू मतलब ढूंढने आ रहा हूँ। वो पबजी के लिए भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है, तो उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर मार्केट में मुझे नज़र आ गया तो उठा लेना उसी वक्त, नहीं तो मुझे अगर मिल जाए ना वो वाला रेडमी नोट 8 प्रो जो है वो एक्सट्रीम देता है और पोवा अल्ट्रा देता है। तो अगर रेडमी नोट 8 प्रो मिल गया ना भाई साहब, मैंने देर ही नहीं लगानी उसे, मतलब बयाना जिसे बोलते हैं ना वो पकड़ाना है और सुबह इंशाल्लाह भाई के साथ आके मोबाइल ले जाना है। तो अब मैं जो तलाश में हूँ वो पोवा टू की भी हूँ। जिससे पूछ रहा हूँ वो बोल रहे भाई शॉर्ट हो गया, मिल ही नहीं रहा। हाँ यूज़ में आपको मिल जाएगा, बस ढूंढ लो कहीं ना कहीं से। बाकी अब मैं और दिखाता हूँ आपको दुकानें वगैरह, तो फिर जो अच्छा लगे वो उठा लूँगा इंशाल्लाह। यार जो मुझे पसंद आया ना वो है इन्फिनिक्स जीरो एक्स, न्यू है लिखा हुआ इन्फिनिक्स जीरो एक्स। ये स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है ना, ये है मोबाइल। तो इसकी अब मैं वीडियो वगैरह देखूँगा मतलब कैसा है कैसा नहीं है इसका। भाई साहब 50 जूम है, मतलब 50x जूम है, मतलब 50x जूम तक जा सकता है। फिर अगर इतना जूम जा सकते हैं तो इसका तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इस जैसा तो नहीं है ना भाई रात में कितना वो कर रहा है। तो बाकी और मैं कुछ चाहता नहीं, अब मैं निकलता हूँ घर को और उसकी वीडियो वगैरह देखूँगा और भाई से मशवरा करूँगा कि भाई साहब वो इतने में दे रहा है। तो उसकी जो उसने प्राइस बताई है ना वो है 35,500, बाकी वगैरह कम कर लूँगा बताना लेना है। तो मोबाइल की मतलब मैंने कर ली और कार्ड वगैरह ले लिया, तो अब घर को निकलता हूँ और रात भी होने वाली है। रात भाई ज़्यादा की तो मेरी ना वाट लग जानी है, सर्दी ने ना मेरी जान खा लेनी। अब जैकेट वगैरह मैंने ली हुई है, बाकी अब घर को निकलता हूँ इंशाल्लाह। खैर खैर से पहुँच जाऊँगा और घर में जाके आपको अलविदा बोलता हूँ। बाकी यार मोबाइल मैंने पसंद कर लिया, अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा इन्फिनिक्स जीरो एक्स। ठीक है अब मैं दिखा देता हूँ आगे जाके, पता करता हूँ कैसा मोबाइल है। और दुकान में आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि यार इतने लोग ज़्यादा इकट्ठे हुए ना वहाँ पे, तो इस वजह से ना सारा काम ही वो हो गया। फिर मैं वहाँ पे बोला भी नहीं और मैंने डील किया उससे। अब निकलता हूँ घर को और इंशाल्लाह मिलते हैं घर में जाके। मैं यार जा ही रहा था पब्लिक तो ये मोबाइल दिखा, मैं वापस आ गया इसको देख के ना। अब इस पर भी दिल आ रहा है कि ये भी उठा लूँ, मतलब इसका रिजल्ट देखो भाई साहब टॉप क्लास रिजल्ट है, देख लो।
अब आपने कमेंट्स में बता देना है कि मैं ये वाला उठाऊं कि वो उठाऊं, मतलब ये नोट 11 है इनफिनिक्स का और वो है 0X, वो 8x28 में और ये 6x28 में है। अब बताना कौन सा लेना है। अभी जाने लगा था यार पब्लिक, तो अभी दिल किया कि यार सूप पी लूँ, ये है सूप की दुकान। तो सूप से ये होगा कि यार मुझे ना मतलब सर्दी वगैरह नहीं लगेगी जाते हुए, नहीं तो भाई मैं जम जाऊँगा जितनी सर्दी है ना। अब मैंने अपने शहर में जाना तो भाई देहात से आती है तो सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी। हाय हाय हाय, अब सूप पी के ना मैंने सीधा घर ही निकलना है, तो अब सूप पी के ये है कि सर्दी नहीं लगेगी। बाइक शाइक है, बाकी अल्लाह से गुजारिश यही है कि खैर खैरियत से घर पहुंच जाऊं। भाई आप कासिम से चट कर गया और अब मुझे महसूस हो रहा है कि सर्दी मुझे कम लग रही है। तो भाई कभी भी सफ़र पे जाओ तो सूप वगैरह कोई ऐसी चीज़ दिखे ना गर्म तो उसे खा के करना सफ़र, तो मतलब बड़ा मज़ा आएगा सफ़र करने में। अब मुझे सर्दी कम ही लग रही है, तो एक भाई से अंडा मंगवाया, एक अंडा खाते हैं और निकलते हैं फिर घर की तरफ। अलहदा अलहदा अंडा अलहदा अंडा खाते हैं तो निकलते हैं। हाँ जी पा देना नमक। यार पब्लिक मैं ना अभी जा रहा था घर को, तो जाते जाते यार यहाँ पे ना मोबाइलों की शॉप दिखी है, जिसके पास आल ही न्यू मोबाइल है और दूसरे यूज में भी होंगे ही, तो जाके देखते हैं न्यू मोबाइल और फिर इससे देख लेते हैं, अगर मिल जाता है भाई को ही तो फिर भाई को बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। है तो भाई साहब मोबाइल उन्होंने दिखाया है, यार कोई ऐसे बंदे को आप मेंशन कर सकते हो अगर भाई मेरी वीडियो कोई ऐसी बंदा देख रहा है, यार रेड इनफिनिक्स नोट 11 कैसा मोबाइल है और कैसा मतलब चलता है, ये तो यार मुझे कमेंट्स में बताओ। हर किसी के पास ना इनफिनिक्स नोट 11 ही है, मैंने समझा कि लोगों ने सेल किया है शायद इस वजह से कि ये अच्छा चलता नहीं है, मतलब मैंने सारी दुकानों पर देखा है इनफिनिक्स नोट 11 ही है। अब उन्होंने दिखाया है एक न्यू मोबाइल, डमी दिखाई थी, बोल रहे हैं यार आपने अगर लेना ना तो ये वाला मोबाइल ले लो रेडमी नोट का रेडमी 10C ले लो। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार कौन सा लूँ, बाकी यार कमेंट्स में बताना जो अच्छा मोबाइल है ना वो मैं लूँगा इंशाल्लाह। बाकी दिल से लव यू यार पब्लिक, मैं ना अभी घर को निकलता हूँ उसके बाद बताऊँगा। इसके साथ पब्लिक मुझको दीजिए इजाज़त, मैं इंशाल्लाह खैर खुआड़ी से ना यहाँ पहुँच गया था। तो यार बाकी ये है कि यार आपसे एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार मुझे बता दो यार कोई मोबाइल अच्छा हो, जिसका मतलब अच्छा हो। यार अब मेरा जो जहन था ना वो था नोट 11 के ऊपर, बट अब देखते हैं क्या करते हैं यार। बाकी मार्केट में इतने नोट 11 है ना भाई, देख देख के मेरा दिल यही कर रहा था इसमें कोई क्लेम है तो भाई सारे बेच के जा रहे हैं, नहीं तो भाई कोई बेचता तो होता नहीं है। बाकी यार आपने बताया कि कौन सा सबसे अच्छा मोबाइल है, हाँ 30,000-25,000 की रेंज तक भाई क्या ले देता तुझे, तो बताना यार मुझे पब्लिक कौन सा सबसे अच्छा मोबाइल है। और बाकी यार मुझे दीजिए इजाज़त, तो कमेंट्स में बताना अच्छा मोबाइल कौन सा है कोई 30,000 की रेंज तक में, तो इंशाल्लाह मैं 0X देखूंगा कैसा मोबाइल है, तो नहीं तो वही उठा लूंगा कोई नहीं यार। और बाकी दिल से पब्लिक कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, और ब्लॉग कैसा लगा बताना, तो यार लाइक शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना, और बाकी दिल से लव यू यार पब्लिक, बाय बाय।